नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, धन्यवाद। दोस्तों, आप में से बहुत सारे GDS एम्प्लॉयज का रूल 3 ट्रांसफर का साइकिल 2 में फास्ट लिस्ट में ही नाम आ गया है, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसा भी है जिनका फास्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो वो लोग सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो उनके मन में ये सवाल है कि कब GDS रूल 3 ट्रांसफर का सेकेंड लिस्ट आने वाला है। तो दोस्तों, ये सारे जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो GDS रूल 3 ट्रांसफर का साइकिल 2 का पूरा शेड्यूल, A to Z पूरा शेड्यूल पर वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों, GDS रूल 3 ट्रांसफर का साइकिल 2 का सेकेंड लिस्ट कब निकलने वाला है, ये आज आलोचना करेंगे। तो दोस्तों, ये वाला नोटिस आप देख लीजिए, ये इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, GDS सेक्शन, डाक भवन से ये नोटिस इशू हुआ था 24 फरवरी 2023 को। ये नोटिस जारी कर दिया गया था टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मतलब कि ऑल CPMGs को ये लिखा गया था। इसका सब्जेक्ट देखिए, रूल 3 GDS ऑनलाइन ट्रांसफर शेड्यूल फॉर प्रिपरेटरी एक्सरसाइज रिगार्डिंग, मतलब कि GDS रूल 3 ऑनलाइन जो ट्रांसफर है उसका प्रिपरेशन के लिए जो सारे एक्सरसाइज करना पड़ता है, मतलब कि प्रिपरेटरी एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी हुआ था। और इस नोटिस पर देखिए, GDS रूल 3 ट्रांसफर का पूरा शेड्यूल दिया गया है। इधर पर लिखा है, इट इज अंडरस्टूड दैट बाय नाउ द सर्किल वुड हैव कंप्लीटेड द प्रिपरेटरी एक्सरसाइज विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफाइड, द अप्रूव्ड शेड्यूल फॉर नेक्स्ट रूल 3 GDS ट्रांसफर साइकिल इज एज अंडर, मतलब कि इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो फॉलोइंग टाइमलाइन दिया गया है ऑल एक्टिविटीज के लिए, उस टाइमलाइन को डिपार्टमेंट को मानना होगा। और हर डिवीजन ऑफिस या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिस हो जो GDS रूल 3 ट्रांसफर से जुड़ा होगा, उसको इस टाइमलाइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तो इधर पर देखिए, फास्ट लिस्ट पहले ही इशू हो गया है, और फास्ट लिस्ट का जो ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट है वो डिक्लेयर हुआ था 27 मार्च। और इधर पर देखिए, रिलीविंग ऑफ GDS टू ज्वाइन इन द न्यू पोस्ट फास्ट लिस्ट कैंडिडेट्स, रिलीविंग का डेट दिया गया था 15 अप्रैल। और इधर पर देखिए, ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफर अप्रूव्ड सेकंड लिस्ट, मतलब कि GDS रूल 3 ट्रांसफर का सेकंड लिस्ट का डेट इधर पर दिया गया है 17 अप्रैल, मतलब कि 17 अप्रैल को GDS रूल 3 ट्रांसफर का सेकंड लिस्ट आएगा। तो आप सब लोग जो सेकंड लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 17 तारीख को ही सेकेंड लिस्ट आएगा। और रिलीविंग द GDS टू ज्वाइन इन द न्यू पोस्ट सेकेंड लिस्ट कैंडिडेट्स, सेकेंड लिस्ट में जिन सारे एम्प्लॉयज का नाम आएगा उनको 30 अप्रैल को ही रिलीव कर दिया जाएगा न्यू पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पहले फास्ट लिस्ट ही निकलता था GDS रूल 3 ट्रांसफर का, लेकिन अब से सेकेंड लिस्ट भी निकलेगा, मतलब कि आपको मौका ज़्यादा दिया जाएगा। तो अगर आपका फास्ट लिस्ट में ट्रांसफर अप्रूव नहीं हुआ है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में आपको जरूर चांस मिलने वाला है। तो दोस्तों, सेकेंड लिस्ट जारी होते ही सबसे पहले आपको इस चैनल पर सूचित किया जाएगा। तो आप सब लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, और इस चैनल का जो ऑल इंडिया GDS ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है उधर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड लिस्ट जारी होते ही हर सर्कस का सेकेंड लिस्ट का जो PDF है ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट का, वो PDF ग्रुप में दिया जाएगा। आप उधर से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे। GDS से जुड़ा या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के से जुड़ा हुआ हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। और अगर इस विषय में आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।